रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रिचुरिच और नई अपडेट के लिए बेल पर प्रेस करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव शरीर में 500 TDS तक सहन करने की क्षमता होती है, परंतु RO 18 से 25 TDS तक पानी को शुद्ध कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। 200 TDS से कम का पानी नहीं पीना चाहिए, पर आजकल तो हर कोई RO को प्रमोट करने में लगा है। यहाँ तक कि डेंटिस्ट भी बिना जाने समझे अपने पेशेंट को सलाह दे देते हैं कि फ्लोराइड की वजह से आपके बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, आप RO लगवाइए। सच तो यह है कि ना डॉक्टर को पता होता है और ना RO लगवाने वाले लोगों को पता होता है कि RO आखिर करता क्या है। लोग तो बस स्टेटस सिंबल समझकर या किसी और के घर में लगा देखकर अपने घर में लगवा लेते हैं। विदेशों में पानी की बहुत किल्लत है, उनकी तकनीक से अब हमारे जल स्रोत भी दूषित होने लगे हैं। हम जो बारिश का पानी इकट्ठा करके पूरा साल पीते थे, अपनी कुएं के जल स्तर समान करने के लिए गांव में गहरे तालाब के पानी को सुरक्षित रखते थे, हमने भंडारण तो बंद कर दिया, उसकी जगह पृथ्वी से जल का दोहन शुरू कर दिया है। RO के पानी में नष्ट हो जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की ओर से की गई शोध के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चेताया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस RO का पानी लगातार सेवन करना मौत का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक व शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि RO प्रक्रिया पानी से बैक्टीरिया खत्म करने के साथ साथ शरीर के लिए जरूरी खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम 92 से 99% नष्ट कर देता है। इससे शरीर का विकास होने के बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। शरीर को जरूरी मिनरल ना मिलने पर बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं और मानव शरीर कोई भी काम करने में असहाय महसूस करने लगता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देने में अहम भूमिका अदा करता है। RO के पानी के लगातार सेवन से कैल्शियम और मैग्नीशियम नष्ट हो जाने से हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। इसी कारण एशिया और यूरोप के कई देशों में RO पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि शोध से पता चला है कि RO का पानी लगातार सेवन करने पर हृदय संबंधी विकार, थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन आदि गंभीर साइड इफेक्ट पाए गए हैं। RO को छोड़कर प्यूरीफाई पानी का इस्तेमाल कहीं अधिक लाभदायक है। विकल्प के तौर पर क्लोरीन का इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी लागत भी कम होती है और आवश्यक मिनरल्स भी सुरक्षित रहते हैं, जिससे शारीरिक विकास में कोई बाधा नहीं होती है। 20 लीटर पानी को क्लोरीनेशन करने में मात्र 1 से 1.5 रुपए का खर्च आता है। क्लोरीनेशन करने से पानी में मौजूद बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन मिनरल्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। एशिया और यूरोप के कई देश RO पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। कई विदेशी कंपनियों ने विज्ञापनों के द्वारा यहाँ पर अपना बहुत बड़ा बाजार जमा लिया है। घर घर घूमने वाले सेल्समैन की बातों में आकर अपना और अपने परिवार का जीवन दांव पर मत लगाएं।